नमस्कार साथियों, आज वाली क्लास में अपन जो भारतीय संविधान की संविधान संशोधन प्रक्रिया है उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। आपका जो बीए पार्ट द्वितीय का जो राजनीति विज्ञान का सेकंड पेपर है भारतीय राजव्यवस्था, उसके सिलेबस में आपके टॉपिक दिया हुआ है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो वो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से संविधान में संशोधन किया जाता है, किन बातों पर विशेष बहुमत की जरूरत है, किन चीजों पर साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो संविधान संशोधन, ये बात आपको छोटे दो नंबर के सवाल में पूछी जा सकती है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के कौन से भाग में निहित है। तो भाग में आप याद रखें, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में परिभाषित है, अनुच्छेद 368। और तीसरी बात है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया है जो कौन से भाग में निहित है, भाग 20 में, कौन से अनुच्छेद में 368, और कौन से देश से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है, तो आप ध्यान रखिए तीन प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, और विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन होना जरूरी है। ठीक है, कई उसमें दो प्रकार से भी आता है, कई उसमें तीन प्रकार से, तो यहां मैंने तीन प्रकार लिखे हैं। संविधान में जो संशोधन है वो तीन प्रकार से हो सकता है, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, और विशेष बहुमत के साथ ही कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन होना जरूरी है। तो लगभग इस भाग में से जो आपको छोटे सवाल पूछे जाएंगे वो लगभग चार पांच छह सवाल मैंने आपको बता दिए है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कौन से भाग में निहित है, भाग 20 में, कौन से अनुच्छेद में परिभाषित है 368 में, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो कौन से देश के संविधान से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है, तीन प्रकार से हो सकता है, उन प्रकारों के नाम साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, और विशेष बहुमत के साथ ही कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन होना जरूरी है। ठीक है, तो ये जो छोटे सवाल हैं जैसा कि मैंने बता दिया आपको कंठस्थ रखने हैं। अब साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किस प्रकार से हो सकता है, इसका क्या परिचय है वो अपन पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। इसमें संविधान गतिशील और परिवर्तित हो जाता है। संविधान में संशोधन करने की जो पद्धति इस अनुच्छेद में दी गई है उसे भारतीय संविधान कठोर व लचीले संविधान का मिश्रण है। इसके लिए किसी पृथक संविधान निकाय की व्यवस्था नहीं की गई है, यानी कि भारतीय संविधान को कठोर और लचीले संविधान दोनों का मिश्रण कहा गया है। ठीक है, जैसे ब्रिटेन के संविधान के बारे में हम पढ़ते हैं तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो लचीला संविधान माना गया है कि साधारण बहुमत के द्वारा ही, साधन प्रक्रिया के द्वारा ही उसमें संविधान संशोधन किया जा सकता है। लेकिन भारतीय संविधान की अपन बात करते हैं तो भारतीय संविधान में इतनी आसानी से संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। जो अमेरिका का जो संविधान है वो कठोर संविधानों की श्रेणी में काउंट किया जाता है, क्योंकि अमेरिका के संविधान में साधन प्रक्रिया द्वारा संशोधन नहीं हो सकता। तो जैसे मान लीजिए भारतीय संविधान के बारे में आपसे पूछा जाता है तो कठोर एवं लचीले संविधान का मिश्रण आपको परीक्षा में लिखना है। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया या शक्ति संसद में निहित है। संविधान में संशोधन करने के लिए विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, यानी कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति मात्र संसद को है। ये भी आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि संविधान में संशोधन कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है, प्रधानमंत्री नहीं, उसमें संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। और संशोधन करने का जो प्रस्ताव है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में पेश किया
किया जा सकता है। ऐसा विधेयक सरकार द्वारा लाया जा सकता है या किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। सामान्यतः मंत्रियों द्वारा लाए गए संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किए जाते हैं। यदि किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है तो उसके गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर लागू होने वाले साधारण नियमों के अधीन होने के अलावा यह भी आवश्यक है कि गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति सदन में विधेयक के पेश किए जाने के लिए उसकी जांच करे और सिफारिश करे। यानी कि संसद के जो सदस्य के द्वारा या सांसदों के द्वारा जो विधेयक लाए जाते हैं वो सीधे लोकसभा में पेश किए जाते हैं, और जैसे मान लीजिए किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा विधेयक पेश किए जाते हैं तो समिति के द्वारा उनकी जांच पड़ताल प्रक्रिया जो है वो की जाती है। संविधान संशोधन के प्रयोजन के लिए संविधान के अनुच्छेदों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जैसा कि मैंने लिख दिया है, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का समर्थन। ऐसे अनुच्छेद में साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। दूसरा है, ऐसे अनुच्छेद में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। और तीसरा है, ऐसे अनुच्छेद जिनमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत और साथ ही कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन होना जरूरी है। यानी कि संविधान के कई प्रकार के अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। कई प्रकार के अनुच्छेद इस प्रकार के हैं कि उनमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, और कई प्रकार के अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन होना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन। संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में संशोधन करने वाले विधेयक के लिए साधारण बहुमत अपेक्षित होता है, और ऐसा कोई विधेयक संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन विधेयक नहीं माना जाता। यानी कि साधारण बहुमत के द्वारा जो संशोधन किए जा सकते हैं, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, यानी कि अनुच्छेद 2, 3, 4। ठीक है, यानी कि नए राज्यों का निर्माण किया जाना है या राज्यों का अलग किया जाना है या राज्य के नामों में परिवर्तन किया जाना है। ठीक है, तो उस प्रक्रिया के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। राज्य के विधान परिषदों का सृजन एवं उपसाधन, यानी कि अनुच्छेद 169, यानी कि किसी राज्य के विधान परिषद का गठन किया जाना है या उसको समाप्त किया जाना है तो साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तीसरी बात करते हैं, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्री परिषद या दोनों का सृजन, यानी कि संघ राज्य जो क्षेत्र है उनकी स्थानीय विधानमंडलों के समर्थन के लिए या वाणी मंत्री परिषद का दोनों का गठन करने के लिए या उनको समाप्त करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण, यानी कि 5वीं अनुसूची का विषय है ये। अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए मान्य किसी नियम वगैरह की आवश्यकता है तो वो साधारण प्रक्रिया में आता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, यानी कि जो SC/ST जो क्षेत्र है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने के लिए विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद के दोनों सदनों में से भी किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। यानी कि जो अभी मैंने बातें की उन चीजों के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। और जैसे मान लीजिए राज्य के नाम वगैरह में परिवर्तन करना है या नए राज्य का निर्माण करना है तो राष्ट्रपति की वो विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में पेश किया जाता है, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। सिफारिश करने से पूर्व राष्ट्रपति को संबंधित राज्यों के विचार उसके द्वारा निर्धारित अवधि में जानने के लिए विधेयक को निर्दिष्ट करना होता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य में विधान परिषद के उपसाधन या सृजन के लिए उत्पन्न करने वाला
पास करती है तो संसद ऐसे संकल्प का अनुमोदन कर सकती है या निर्मोदन कर सकती है या चाहे उस पर कोई कार्यवाही भी नहीं कर सकती। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है, जैसे मान लीजिए किसी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाना है या विधान परिषद को समाप्त किया जाना है, तो जो राज्य की विधान सभा है या विधान मंडल है वो अपने उपस्थित पूर्व मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य में विधान परिषद के सदन या विसर्जन के लिए बंद करने वाला विधान बना सकती है। यानी कि अपने 2/3 बहुमत से या तो विधान परिषद का गठन किया जाना है, उसको हटाया जाना है या समाप्त किया जाना है, तो उस प्रकार का विधान पास करती है। तो संसद जो है उसका अनुमोदन कर सकती है या अनुमोदन नहीं भी कर सकती या उस पर किसी प्रकार की वो कार्यवाही नहीं कर सकती। तो आपको साधन प्रक्रिया के द्वारा इन चीजों में परिवर्तन हो सकता है, वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। यानी कि पहले मैंने बताया नए राज्यों का निर्माण उत्साधन या उनको समाप्त किया जाना, विधान परिषदों का सृजन, संघराज्य क्षेत्रों के लिए वो एसटीएससी प्रशासन, असम मेघालय और मिजोरम और त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, यानी कि उनके संबंध में जो कोई नियम बनाना है या परिवर्तन किया जाना है तो उनके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं विशेष बहुमत द्वारा, यानी कि विशेष बहुमत किन चीजों के लिए जरूरी होता है वो अपन देखते हैं। संविधान के किसी अन्य भाग में संशोधन करने वाला विधेयक विशेष बहुमत द्वारा पास किया जाता है। यानी कि संविधान के किसी अन्य भाग में संशोधन करने वाला विधेयक विशेष बहुमत द्वारा पास किया जाता है, अर्थात उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्यों की बहुमत द्वारा। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि उस सदन की कुल सदस्य संख्या की बहुमत, ठीक है, यानी कि जो सदन में कितने सदस्य हैं उन सदस्यों की संख्या का कुल बहुमत और सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा। वास्तव में विशेष बहुमत केवल विधेयक के तृतीय वाचन की अवस्था में ही अपेक्षित है, परंतु पर्याप्त सावधानी के तौर पर विधेयक की सभी प्रभावी अवस्थाओं के संबंध में सदनों के नियमों में विशेष बहुमत का उपबंध किया गया है। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व तथा संविधान की कई व्यवस्थाएं इसी श्रेणी के अंतर्गत आती है। यानी कि विशेष बहुमत किस चीज के लिए आवश्यक है, यानी कि इसमें मुख्यतः दो चीजें आपके दी हुई है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, अन्य उपबंध भी है लेकिन मुख्यतः आपको दो चीजें याद रखनी है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के लिए जो है विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अगर आपको परीक्षा में पूछा जाता है ये सवाल तो आपको नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार इसमें आपको लिखने हैं, ठीक है। अब तीसरी बात करते हैं अपन विशेष बहुमत के साथ ही कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों का समर्थन। यानी जो तीसरी बात है उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि विशेष बहुमत द्वारा वो राज्यों का अनुसमर्थन। संविधान के उपबंधों में संशोधन करने वाला विधेयक संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा पास किया जाना होता है और राष्ट्रपति की अनुमति के लिए विधेयक उसके समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा संकल्प पास करके उनका उसका अनुसमर्थन भी करना होता है। यानी कि विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों का उसको समर्थन मिलना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, यानी कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसके संबंध में विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन होना जरूरी है। संघ तथा राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ तथा राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के संबंध में किसी प्रकार का संशोधन या उपबंध बनाया जाना है तो उसके लिए कृष्ण नियम लागू होता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय भाग 5 का अध्याय 4 और भाग 6 का अध्याय 5, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्चतम न्यायालय, यानी कि उच्चतम न्यायालय के संबंध में या केंद्र शासित प्रदेशों के उच्चतम न्यायालय के संबंध में किसी प्रकार का उपबंध किया जाना है या बनाया जाना है तो उसके लिए विशेष बहुमत के साथ साथ
राज्यों का अनुसमंडल जरूरी है। संघ तथा राज्य के विधायी शक्तियों का वितरण, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया और सातवीं अनुसूची का कोई भी विषय, यानी कि भारतीय संविधान के कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें संशोधन करने के लिए वह प्रक्रिया अपनाई जाती है जो कठोर संविधान की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। इसके अंतर्गत संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्य विधानसभाओं का भी अनुमोदन होना जरूरी है या चाहिए, जैसे उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की गठन तथा क्षेत्राधिकार, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संघ तथा राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, साथ में अनुसूची में वर्णित विषयों की प्रविष्टि और संविधान संशोधन। तो अपन तीसरे नंबर की बात करते हैं कि विशेष बहुमत के साथ ही कम से कम आधे राज्य में विधानमंडलों का अनुसमर्पण होना जरूरी है। तो उसके लिए चार पांच टॉपिक मैंने बताए हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, उच्चतम न्यायालय का गठन तथा क्षेत्राधिकार, और जो संघ शासित प्रदेश है उनके बारे में, संसद में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो है इसमें, और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संघ तथा राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार और संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। तो इसके लिए विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का अनुमोदन या अनुसमर्पण होना जरूरी है। ये मैंने बता दिया है आपको संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होता है। मैं एक बार इन चीजों को दोबारा से यहाँ रिपीट करता हूँ कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो भारतीय संविधान के भाग 20 में है। अपने टोटल संविधान के जो भाग हैं वो 22 में से भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 368 में कौन से देश से ली गई संविधान संशोधन की प्रक्रिया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, तीन प्रकार से संविधान संशोधन हो सकता है, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत के साथ ही कम से कम आधे राज्य के विधानमंडलों का समर्थन होना जरूरी है। अब साधारण बहुमत से किन किन चीजों में परिवर्तन हो सकता है, यानी कि नए राज्यों का निर्माण किया जाना है या उनको सम्मिलित किया जाना है या उनका नामकरण किया जाना है, राज्यों में विधान परिषदों का गठन किया जाना है, उनको समाप्त किया जाना है, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधान स्थानीय विधानमंडल या मंत्री परिषद है असम मेघालय मिजोरम के संबंध में, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संबंध में। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। विशेष बहुमत द्वारा मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, ये आपको दो दिन याद रखने हैं। तीसरे, विशेष बहुमत के साथ ही राज्यों के द्वारा अनुमोदन यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति हो गई, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व हो गया, उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार हो गया, और सातवीं अनुसूची हो गई, और संविधान संशोधन के संबंध में बात हो गई। अब संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद में नहीं है, लेकिन संसद की यह शक्ति सीमित नहीं है बल्कि संविधान के आधारभूत ढांचे में सीमित है। 24वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित करने के पश्चात राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने से मना नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो है आपके संविधान संशोधन की प्रक्रिया हो गई। आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार से इसमें सवाल पूछा जा सकता है, जो मैंने बताए सवाल उन्हीं बातों में से सवाल आपको पूछे जाने के चांस है। तो ये आप ध्यान रखें कि आपको इसमें छोटा सवाल पूछा जा सकता है और बड़ा सवाल भी। ठीक है, तो भाग 20 में और अनुच्छेद 368 दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, और तीन प्रकार से संविधान संशोधन जो है इसमें किया जा सकता है। तो लगभग सवाल इसी में से पूछा जा सकता है, मेरे ख्याल से इसमें लगभग बड़ा सवाल आने की उम्मीद कम है। आप उसमें 2 नंबर का सवाल या 5 नंबर का सवाल इसमें से आपको पूछा जा सकता है। तो ये आप ध्यान रखें, बार बार इसको पढ़ते रहें, रिपीट करते रहें। आगे वाली जो अपनी क्लास होगी उसमें आगे वाले टॉपिक पर अपन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथी, थैंक यू।